पिछले साल जब कोरोना की वजह से स्कूल बंद हुए थे तो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रोष व्यक्त किया था, और इस बार भी जब लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए तो परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्ज वसूल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल खुले ही नहीं तो सालाना चार्ज कैसे लिया जा सकता है। हम सब अभिभावक इकट्ठे हुए हैं, 100 की तादाद में इकट्ठे हुए हैं। कोरोना वायरस के चलते 500 भी इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन 100 इकट्ठे इसलिए हुए हैं, कोरोना वायरस था। अब क्या हो रहा है जी, 3 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पेश किया है, जजमेंट डाला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप एक स्कूल के मालिक होने के नाते एक अभिभावक से अगर एक बच्चा 100 रुपये फीस देता है तो आप 15% उसको कंसेशन दीजिए, क्योंकि बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा तो आपका बिजली का खर्चा बच रहा है, आपका पानी का खर्चा बच रहा है, आपका सैनिटाइजेशन का खर्चा बच रहा है, आपका मेंटेनेंस का खर्चा बच रहा है, आपका स्टेशनरी का खर्चा बच रहा है। तो यानी कि आपका 15% हम कैलकुलेट रफ यूँ करते हैं कि आपका 15% खर्चा बच रहा है, तो आप 100 रुपये अगर आपकी फ़ीस है तो आप 85 रुपये ले लीजिए। अब स्कॉलर रोजरी की फ़ीस जो पिछले साल थी वो मोटी मोटी कैलकुलेट मैंने करी है 70,000 रुपये बैठती थी, जिसमें एनुअल चार्जेस भी आ गए, ट्यूशन फीस भी आ गई ईयरली। अब हम गुगलानी साहब के पास गए थे, हमने उनसे कहा था जी 70,000 रुपये फ़ीस है, 70,000 रुपये में से 15% आप डिस्काउंट दे दीजिए, जो मोटा मोटा 10,000 रुपये बैठता है, 60,000 आप हमसे ले लीजिए। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवंत है। बलवंत, मेरे स्कूल के खिलाफ आपने किन अधिकारियों से मुलाकात की और वहाँ से आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के हमने अपना ज्ञापन दिया है पेरेंट्स ने मिलकर, उसमें हमें यही आश्वासन मिला है कि डीओ साहब ने ये बोला है मैडम ने कि हम मेरे पास जो पावर्स हैं मैं गुगनानी साहब को बुला के और इन ऑर्डर्स को दिखा के और जो भी बेस्ट हो सकता है वो अपनी तरफ से कर देंगे। तो आप ये चाहते हैं कि एनुअल चार्ज ना लिया जाए सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ज्ञापन भी यही है और हम पेरेंट्स भी आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। 2-3 बार हम गुगनानी साहब से बात कर चुके हैं, स्कूल में इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने डीसी साहब को और डीओ साहब को आज ये ज्ञापन देने का निर्णय किया। ट्यूशन फीस के साथ सालाना चार्ज जोड़ने पर रोहतक में कुछ अभिभावकों ने स्कूल जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए परिजनों की मांग है कि जब तक कोर्ट का कोई आदेश इस बार की फीस को लेकर नहीं आ जाता तब तक सालाना चार्ज न लिया जाए। उधर इस संबंध में जिला उपायुक्त का मानना है कि अभी तक स्कूल फीस को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आई है, ऐसे में अगर अभिभावकों के पास कोई ठोस सबूत है तो पेश करें। जब फर्स्ट वेव थी उस वक्त में ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज, फला चार्ज, ये चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर था। अभी यदि ये आदेश आता है, जो कि अभी पीछे आया था, कि अभी वो फीस ले सकते हैं तो या तो वो क्वालिफाई करवा के लाए। मैंने कहा था, मुझसे कुछ लोग मिले थे, सयाने लोग भी थे उसमें पढ़े लिखे, तो हमने कहा था भाई आप सब जानते हैं, यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, या तो वो क्वालिफाई होके आ जाए, क्लैरिफिकेशन डालें और लेके आए। अभी फीस का मतलब तो फीस है जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, ट्यूशन फीस का मतलब अलग है, एडमिशन फीस का मतलब अलग है, ट्रांसपोर्ट चार्जेज भी अलग है। तो कोई भी लोग यदि किसी को कोई ऐसी तकलीफ है तो प्रतिवेदन दें, साथ में वो आधार दें जिसके बेस पे वो क्लेम कर रहे हैं। यदि वो समर्थ और सक्षम लोग हैं खाते पीते तो वो बिल्कुल भी कंसेशन मत ढूंढे, नहीं मिलेगा। यदि कोई लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड और उनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है, वो इंडिविजुअल हमको दरख्वास्त दें, उसका हम संज्ञान लेंगे और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पिछली बार क्योंकि स्कूल काफी कम समय के लिए ही खुल पाए थे, लिहाजा कोर्ट ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की इजाज़त दी थी, मगर इस बार कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। लिहाजा देखना होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन अभिभावकों को किस तरह से समझा पाता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।